हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मिसेस किंजल पंचाल। आई एम अ टीचर इन जेम्स इंटरनेशनल स्कूल। स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड थर्ड, लिसन केयरफुली। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई विल स्टार्ट योर न्यू यूनिट। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, योर न्यू यूनिट एंड लास्ट वन। ओके, कि आपकी टेक्स्ट बुक में 12 यूनिट तक ही है। ओके, सो इन दिस वीडियो, ये वीडियो में मैं आपका यूनिट 12 जो है हेल्थ इज वेल्थ वो स्टार्ट करने वाली हूँ। ओके, एंड आपका कोर्स का लास्ट वाला यूनिट, आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का लास्ट यूनिट। ओके, हेल्थ इज वेल्थ। ओके, लास्ट। चलो, हेल्थ इज वेल्थ मीन्स जो तंदुरुस्ती है वही संपत्ति हमारी, यानी हमारी हेल्थ है जो तंदुरुस्ती, स्वस्थ स्वास्थ्य वही हमारी पहली संपत्ति है। ओके, अगर हमारा स्वास्थ्य सही है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ओके, अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये यूनिट में हम वही पढ़ेंगे। ओके, बिफोर गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन आई विल एक्सप्लेन हार्ड वर्ड्स। ओके, फर्स्ट सो लिसन केयरफुली। चलो, हार्ड वर्ड्स। हेल्दी, हेल्दी मीन्स तंदुरुस्त। हेल्दी मीन्स तंदुरुस्त। ग्रेस, ग्रेस मीन्स चराना। चराना मतलब घास वास चराते हैं ना, वही होता है, पर यहाँ ग्रेस में एक की तरह से देखना वो भी होता है। ओके, वेल्दी, वेल्दी मीन्स संपत्ति। एक्चुअली यहाँ पैसों की बात नहीं कर रहे। ओके, वेल्दी मतलब यहाँ तंदुरुस्ती हमारी संपत्ति है, पहली हमारा स्वास्थ्य ही पहली संपत्ति है, दौलत है जिसको बोलते हैं दौलत, वेल्दी मीन्स दौलत। ओके, वो है। वाइस, चतुर। वाइस, चतुर। हेडेक, हेडेक मतलब क्या होता है, हेडेक होता है ना आपको कभी कभी, सिर का दर्द, सिर दर्द है ना, सिर दर्द, मैम सिर दर्द हो रहा है बोलते हैं, हेडेक हो रहा है। सैटर, सैटर मीन्स चूर चूर कर देना, यानी इतना चूर तोड़ फोड़ के चूर चूर कर देना, फाड़ देना ऐसा। ओके, चलो। एडवाइस, एडवाइस मीन्स सलाह, सलाह। प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन मीन्स नुस्खे। प्रिस्क्रिप्शन मतलब नुस्खे जो देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन मतलब चेतावनी भी होती है कि प्रिस्क्रिप्शन रीड करके फिर हमें कुछ भी मेडिसिन वो सब लेना होता है, पता है ना। एडवाइस हो गए। हाइजीनी, हाइजीनी मतलब हाइजीनी मतलब अपना जो बॉडी होता है। ओके, बॉडी मीन्स हमारी जो अपने आप को खुद को। ओके, एकदम क्लीन रखना, हाइजीन रखना। ओके, हाइजीन मतलब क्लीन। ओके, प्रमोट, प्रमोट मतलब प्रचार करना। ओके, प्रमोट मीन्स प्रचार करना। प्रिस्क्रिप्शन मीन्स नुस्खे। नौसियस, नौसियस मीन्स एक्चुअली घृणाजनक होता है, यानी कुछ ऐसा काम जो अच्छा नहीं होता। ओके, जैसे उल्टी हो जाए ऐसा काम, यहाँ स्वास्थ्य के रिलेटेड इसलिए उल्टी हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए वैसा। ओके, कम्युनिटी, समुदाय। कम्युनिटी मीन्स समुदाय। ओके, कम्युनिटी, कम्युनिटी मीन्स समुदाय। ऑर्डर, ऑर्डर यहाँ ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर है, ओ डी ओ यू आर। ऑर्डर मीन्स एक अच्छी सी स्मेल। ओके, ऑर्डर मीन्स जिसको फ्रेग्रेंस भी बोल सकते। ओके, अरोमा भी बोल सकते आप लोग। तो ऑर्डर मीन्स, ऑर्डर मीन्स एक अच्छी इतनी स्वीट सिर्फ स्मेल जो होती है ना उसको ऑर्डर बोलते हैं। ब्लिस्टर, ब्लिस्टर मीन्स चोट। खरोचाना, ब्लिस्टर मीन्स चोट आती है जो खरोच आता है वो। ओके, ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट्स मीन्स कैसे क्रीम जिसको बोलते हैं, ऑइंटमेंट्स मीन्स क्रीम। ओके, लिक्विड फॉर्म में जो क्रीम होती है थोड़ी सी थिक लिक्विड क्रीम उसको ऑइंटमेंट बोलते। ओके, स्प्रैन, स्प्रैन, स्प्रैन मीन्स मोचाना, स्प्रैन मीन्स मोचाना, मचकोड बोलते हैं मचकोड। हाँ, ट्विस्ट ऑल्सो मचकोड, ट्विस्ट ऑल्सो मचकोड। ओके, ब्रुइस, ब्रुइस ऑल्सो चोट खरोच। ओके, बोल सकते हो चोट खरोच। यहाँ ब्लिस्टर मीन्स चोट कैसी पता है, ब्लिस्टर में ये चोट लगने से, ये ब्लिस्टर मीन्स कैसी पता है, जैसे आपको वो वाली जैसे जल जाते हो, फिर कभी कभी हाथों में जलने के बाद जो छाले पड़ जाते हैं ना उस तरीके, उसको क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर बोलते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके सारे हार्ड वर्ड्स। आई विल शो यू हार्ड वर्ड्स।
स्टूडेंट्स, ये है यूनिट 12, हेल्थ इज वेल्थ, हार्ड वर्ड्स। यू हैव टू राइट ऑल हार्ड वर्ड्स इन योर इंग्लिश नोटबुक एंड देन यू हैव टू राइट कीवर्ड्स। ओके, अब कीवर्ड्स भी लिखने पड़ेंगे जो आपके पेज नंबर 85 पर है। ओके, यूनिट 12, हेल्थ इज वेल्थ, पेज नंबर 85 पर आपके कीवर्ड्स है, वो सारे आपको लिख लेना है। ओके, नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक, आई विल एक्सप्लेन यूनिट 12, हेल्थ इज वेल्थ इन टेक्स्ट बुक। ओके, ओके, समझ में आ गया, देन राइट कीवर्ड्स। यूनिट 12, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। एक्टिविटी 1, रीड दिस रैम, रीड दिस रैम्स, यहाँ रैम्स दी गई है। आप थर्ड स्टैंडर्ड में हो और रैम्स नर्सरी की दी गई है, नर्सरी में ही ये वाली रैम्स आती थी। Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Again I repeat this rhymes. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Okay, यानी जो जल्दी से सो जाता है, जल्दी उठता है, वो इंसान हेल्दी बनता है, वेल्दी बनता है, वाइस मतलब छतरी बनता है। ओके, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो। ओके, ऐसा चलो। वर्क इन पेयर्स, वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें पेयर में वर्क करना है जो भी पॉसिबल नहीं है, वर्क इन पेयर्स, कोई पेयर का काम पॉसिबल है ही नहीं ना अभी। अब क्वेश्चंस को डिस्कस करें। डू यू गेट अप अर्ली, क्या आप जल्दी उठते हो? डू यू गेट अप अर्ली, क्या आप जल्दी उठते हो? यस या नो में आंसर दे देना अभी तो। ओके, अभी इतना लंबा चौड़ा तो कोई सुनने वाला नहीं है आपका आंसर। ओके, सो आपको ऐसे ही यस या नो में आंसर्स दे देना, अपने आप को दे देना है। ओके, डू योर पेरेंट्स एडवाइस यू टू गो टू बेड अर्ली एंड गेट अप अर्ली, वाई? क्या तुम्हारे पेरेंट्स, पेरेंट्स मीन्स मम्मी पापा, कभी ऐसी एडवाइस देते हैं कि तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए? क्यों उठना चाहिए? वॉट अदर एडवाइस इज गिवन टू यू टू स्टे हेल्दी, ऐसी कौन सी दूसरी एडवाइस होती है जो है वो तुम्हें दी जाती है हेल्दी रहने के लिए? हेल्दी रहने के लिए तुम्हें ऐसी कौन सी दूसरी एडवाइस दी जाती है? ओके, चलो। वर्क इन पेयर, वर्क इन पेयर्स, लिस्ट द एडवाइस गिवन टू यू बाय योर एल्डर्स टू मेक यू हेल्दी। यानी पेयर में वर्क करना है, यानी लिस्ट बनाना है एडवाइस का जो आपके मम्मी पापा या दादा दादी किसी ने दिया हो ना आपको हेल्दी बनाने के रखने के लिए, जो एडवाइस दी उसको लिखना है। ओके, एक्टिविटी 2, रीड दिस पैसेज। हाइजीन इज ऑल अबाउट कीपिंग वन सेल्फ क्लीन एंड हेल्दी। यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन एंड यू शुड कीप योर सेल्फ हेल्दी। हाइजीन प्रमोट्स द हेल्थ ऑफ पीपल एंड द कम्युनिटी। There are some clean habits everyone should try to follow. Okay, hygiene मतलब अपने आप को और अपने आसपास, हम जहाँ रहते हैं आसपास का जो भी एरिया है, ओके, वो क्लीन रखना, एक क्लीन और हेल्दी रख हाइजीन रखने की बात है। ओके, हाइजीन मतलब अपने आप को और क्लीन और हेल्दी रखने का और आस सारी चीज़ें को। ओके, अब ये कहने का बात है कि हम ऐसा बोल रहे कि तुम लोग बहुत है, यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यानी हम सब बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है वर्ल्ड में, दुनिया में। ओके, चलो। ओके, यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, सो तुम्हें अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए। एंड यू शुड कीप योर सेल्फ हेल्दी, और तुम्हें अपने आप को क्लीन हेल्दी रखना चाहिए। ओके, तुम्हें अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए। हाइजीनी प्रमोट्स द हेल्थ ऑफ पीपल। हाइजीनी जो वर्ड्स नहीं है, ये
अपने आप को और आस जा रहे थे वो वर्किंग एरिया लिविंग है वो सबको क्लीन रखने का वो एरिया ओके उसके बाद तो वो क्या कहते हैं कि उससे पता चल प्रमोट्स द हेल्थ ऑफ पीपल, यानी हम लोग कितनी साफ सफाई घर पर रखते हैं उससे हमारा स्वास्थ्य के बारे में हम पता चलता है कि ये हेल्दी है या वीक है ओके। तो घर के कभी कभी ऐसा होता है कि घर का एटमोसफियर जो है वो भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर घर का एटमोसफियर अच्छा नहीं होगा तो हमारी हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी ओके। एंड द कम्युनिटी समुदाय के लिए भी, लोगों का समुदाय जो होता है उसके लिए भी ओके। देयर आर सम क्लीन हैबिट्स एवरी वन शुड ट्राई टू फॉलो, एक्चुअली बहुत सारे ऐसी हैबिट्स है, कुछ ऐसी क्लीन हैबिट्स है जिसको जिसको सब लोगों को फॉलो करना चाहिए ओके। जिसको सब लोगों को फॉलो करना चाहिए। लेट्स लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस, लेट्स लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस। चलो हम क्लीननेस मतलब स्वच्छता के महत्व को सीखेंगे, स्वच्छता का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस है ओके। फॉर एग्जाम्पल डेंटल हाइजीन इज मेड अप ऑफ ब्रशिंग योर टीथ एटलीस्ट टू टाइम्स ईच डे एंड ट्राइंग नॉट टू ईट टू मैनी स्वीट्स taking good care of your mouth and teeth will help you to have a nice smile. अब example के कि dental hygiene, dental means दांत की स्वच्छता ओके। ऐसा माना जाता है कि हमें दिन में हर रोज each day मतलब हर रोज दो बार कम से कम दो बार अपने दांत ब्रश करना चाहिए ओके। ये हाइजीन रखता है। और भी दूसरा है कि trying not to eat too many sweets और बहुत सारे स्वीट्स जो है मीठापन होता है इसलिए वो खाने नहीं चाहिए ओके। थिंकिंग गुड केयर ऑफ योर माउथ टेकिंग ओके, आपके माउथ की अच्छी केयर लेना और टीथ माउथ और टीथ की अच्छी केयर करना, यानी वो आपको क्या कहाँ हेल्प होगा, अच्छी सी स्माइल के लिए हेल्प होगा कि जिसके दांत अच्छे होंगे तो उसकी स्माइल भी बहुत अच्छी वाली होगी ओके। Habits for good health include. ओके अब हेल्दी हेल्थ के लिए अच्छी अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो हैबिट्स होनी चाहिए वो कौन कौन सी होनी चाहिए, देखो अच्छे स्वास्थ्य के लिए तंदुरुस्ती के लिए ओके। एक तो है गेटिंग अ गुड नाइट स्लिप मतलब रात की जो स्लीप होती है वो नींद जिसको बोलते हैं अच्छी होनी चाहिए ओके। रात की जो स्लीप ऐसा माना जाता है कि कम से कम 8 आवर्स तो हमें नींद लेनी चाहिए, नींद पूरी करनी चाहिए, 8 आवर्स तक सोना चाहिए ओके। चलो ईटिंग अ गुड ब्रेकफास्ट यहाँ है डोंट स्किप ब्रेकफास्ट बिकॉज इट गिव्स यू टू एनर्जी यू नीड टू ओके। यानी अच्छा सा ब्रेकफास्ट करना चाहिए क्योंकि अगर आप ब्रेकफास्ट आपको जो ब्रेकफास्ट होता है वो स्किप नहीं करना चाहिए, मतलब ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वो हमें एनर्जी देता है ओके। मेक इट थ्रू आउट टू लंच, यानी सुबह का नाश्ता जिसने भी अच्छा किया ऐसा माना जाता है, सब लोग बोले पर ऐसा माना सुबह का नाश्ता जो है ना वो भर पेट खाना चाहिए सुबह में जो नाश्ता होता है, क्योंकि उससे जो आपको एनर्जी मिलती है ना वो पूरे दिन वर्क करने के लिए काम पे आती है ओके। सुबह का नाश्ता यानी कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए ओके। ऐसा वॉशिंग योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली टू अवॉइड स्प्रेडिंग जर्म्स ओके। जर्म्स को स्प्रेड करने से रोकने के लिए हमें कंटिन्यूस अपने जो फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार अपने हैंड से वॉश करने चाहिए ऐसा ओके। हमें अपने हैंड से वो बार बार वॉश करना चाहिए जर्म्स को स्प्रेड होने होते रोकने के लिए। टेकिंग अ बाथ डेली टू कीप द डर्ट एंड ऑर्डर अवे ओके। हर रोज बाथ लेने से डर्ट मतलब गंदगी दूर रहती है और एक ऑर्डर अवे, ऑर्डर मतलब जो पसीने की बदबू होती है वो दूर रहती है ओके,
वो हमसे गंदगी और पसीने की बदबू दूर रहती है. ओके चलो. वॉकिंग प्लेइंग राइडिंग योर बाइक. वॉकिंग प्लेइंग राइडिंग योर बाइक. डोंट फॉरगेट टू गिव सम एक्सरसाइज टू योर ब्रेन बाय रीडिंग एंड डूइंग योर स्कूल वर्क टू. ओके. वॉकिंग प्लेइंग राइडिंग योर बाइक. ओके. चलना चाहिए, खेलना चाहिए, राइडिंग भी करना चाहिए बाइक के साथ. बट ये भी भूलना नहीं चाहिए कि कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी होनी चाहिए जो आपके ब्रेन को डेवलप करे. ओके. जैसे कि रीडिंग है और स्कूल का कुछ काम करने का. ओके. जिससे आपका मेंटली डेवलपमेंट होता है. ओके. जिससे आपका मेंटली डेवलपमेंट होता है. ओके. एक्टिविटी 3 है वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4. चार के ग्रुप में आपको वर्क करना है जो पॉसिबल नहीं है. ओके बच्चों. अभी वो ग्रुप वाला कोई भी काम पॉसिबल नहीं. ओके. वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4. फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड्स डू टू कीप हेल्दी देन रिपोर्ट इट टू द क्लास. ओके स्टूडेंट्स, ये आपको ऑमिट करना है क्योंकि ये आपका करने की ज़रूरत नहीं. ओके. सो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ वीडियो स्टॉप कर रही हूँ. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम एक्टिविटी 4. ओके. सो बाय.